20 ओवर में बने 314 रन, सबसे बड़ी जीत, 50 गेंदों में 137 रन, 9 गेंदों में 50, T20 मैच में बने 5 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेपाल की क्रिकेट टीम ने चीन में जारी एशियन गेम्स 2023 के अपने पहले मैच में तबाही मचा दी। नेपाल की टीम और टीम के दो खिलाड़ियों ने कुल 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। नेपाल की टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक और सबसे तेज अर्धशतक के अलावा सबसे ज्यादा छक्के भी इसी मैच में लगे हैं। दरअसल नेपाल और मंगोलिया के बीच एशियन गेम्स 2023 का लीग मैच खेला गया। इस मैच में नेपाल की टीम ने T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। T20 क्रिकेट में पहली बार किसी भी टीम ने 300 प्लस रन बनाए हैं। इसके अलावा नेपाल की टीम ने इस मैच को 273 रनों के बड़े अंतर से जीता। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों के हिसाब से इतनी बड़ी जीत किसी भी टीम को नहीं मिली है। मंगोलिया की टीम 315 रनों के जवाब में 41 रनों पर ढेर हो गई। इसी मैच में नेपाल की टीम ने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। नेपाल से पहले अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की टीम के नाम T20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा 22-22 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन नेपाल की टीम ने इस मैच में कुल 26 छक्के जड़े हैं और यह अब नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के अलावा सबसे तेज शतक भी इसी मैच में आया। दरअसल नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने सबसे तेज शतक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ठोका है। उन्होंने महज 34 गेंदों में शतक पूरा किया। इससे पहले रोहित शर्मा और डेविड मिलर ने 35-35 गेंदों में ये कमाल किया है। इसके अलावा नेपाल के ही बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी ने न सिर्फ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया और 9 गेंदों में 50 रन ठोक दिए। नेपाल और मंगोलिया के बीच अगर वर्ल्ड रिकॉर्डों की बात करें, 34 गेंदों में कुशल मल्ला ने सबसे तेज शतक ठोका, 9 गेंदों में दीपेंद्र सिंह एरी ने सबसे तेज अर्धशतक और 314 रन नेपाल ने हाई स्कोर बनाया। T20 इंटरनेशनल के किसी भी मैच में सबसे ज्यादा छक्के भी नेपाल की टीम ने लगाई और इसी के साथ ही 273 रनों के बड़े अंतर से सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की।